हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर इकोनॉमी स्कूल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम सीरीज। इससे पहले अपन रिग्रेशन, कोरिलेशन आदि पढ़ चुके हैं, तो आज टाइम सीरीज पढ़ते हैं। टाइम सीरीज जो है ये भी आपका मेन टॉपिक है, इसमें से कम एक या दो क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम काल श्रेणी होती क्या है। तो पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर मेरे से बात कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज कि काल श्रेणी होती क्या है। तो काल श्रेणी जो है काल यानी समय से रिलेटेड है। तो किसी भी समय अनुसार है ना, समय है इसका मतलब समय अनुसार जब हम समंकों के समूह का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है हमारी काल श्रेणी। यानी किसी भी समंकों का या चरों का वर्ष महीने दिन के आधार पर अध्ययन करना ही काल श्रेणी कहलाता है। यानी सीधी सी बात है, समयानुसार समंक समूहों का अध्ययन ये कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, काल श्रेणी, ठीक है। और काल श्रेणी की जो जब हमारे पास श्रेणी आ जाती है और उसको हम जब चित्र बना देते हैं तो उसको बोलते हैं हम कालिक चित्र। काल श्रेणी का जो चित्र बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कालिक चित्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हिस्टोरीग्राम, ठीक है ना। तो ये कालिक चित्र इसका बन जाता है, इसको बोलते हैं कालिक चित्र। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काल श्रेणी से जो चित्र बनता है उसको क्या कहते हैं, कालिक चित्र कहते हैं, स्थानिक चित्र कहते हैं या क्षेत्रवार चित्र कहते हैं, तो वहां पर अपन को करना है कालिक चित्र कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काल श्रेणी का, जैसे किसी भी जनगणना में यानी 2011 की जनगणना में जनसंख्या इतनी है, तो वहां पर क्या हुआ, दो चीजें आई, एक तो जनगणना और दूसरी जनसंख्या, ठीक है ना। अब यहाँ पर जनगणना तो जो है वो समय हो गया हमारा टाइम, और जनसंख्या जो है वो हमारे समंक समूह हो गए, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर किसी महीने का उत्पादन, यहाँ पे महीना क्या हो गया, समय हो गया, और उत्पादन क्या हो गया, समंक समूह हो गया, तो वो कहलाती है हमारी काल श्रेणी, ठीक है। अब काल श्रेणी के संगठक, यानी काल श्रेणी के संगठक क्या होते हैं, ये चीज हमें अब मेन देखनी है। काल श्रेणी के संगठक में से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो काल श्रेणी के संगठक का मतलब ये होता है कि काल श्रेणी पे किन किन कारणों का प्रभाव पड़ता है, जिन कारणों का प्रभाव पड़ता है वो कारण ही काल श्रेणी के संगठक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो संगठक होते हैं उसको हम दो भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं, कितने भागों में, दो भागों में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि या तो दीर्घकालीन प्रभाव पड़ेंगे या फिर अल्पकालीन पड़ेंगे, तो हम इनको दो भागों में बांटेंगे, अल्पकालीन संगठक और दीर्घकालीन संगठक, ठीक है ना। तो दीर्घकालीन, सबसे पहले दीर्घकालीन संगठक, ठीक है ना, और दूसरा अल्पकालीन, ठीक है। अब दीर्घकालीन जो संगठक होता है उसमें जो होता है उसको हम दीर्घकालीन परिवर्तन भी बोलते हैं, दीर्घकालीन विचलन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं उपनति, क्या बोलते हैं, उपनति, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेंड। यानी कभी कभी हम बोलते हैं ना कि आजकल इस चीज का बहुत ट्रेंड चल रहा है, इसका मतलब जो लंबे समय तक जो चीज एक जैसी चल रही है उसको बोलते हैं हम ट्रेंड, उपनति, दीर्घकालीन परिवर्तन, ठीक है। उपनति जो है वो हमें तीन प्रकार से प्राप्त होती है, कितने प्रकार से, तीन प्रकार से, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो यहाँ पर उपनति का मतलब आप समझे, दीर्घकालीन जो उपनति होती है वो क्या होती है, दीर्घकालीन परिवर्तन क्या होता है, किसी भी काल श्रेणी में जब एक लंबे समय तक, किसी भी काल श्रेणी में लंबे समय तक परिवर्तन एक ही दिशा में हो और जो उनकी गति है वो धीरे हो, गति धीमी धीमी और जो परिवर्तन है वो लंबे समय तक, उसको कहते हैं हम दीर्घकालीन उच्चावच या दीर्घकालीन परिवर्तन, उसको हम उपनति भी कहते हैं, ट्रेंड, यानी कि ये ट्रेंड चल रहा है वर्षों से, ठीक है ना। ये उपनति जो है ये हमें तीन प्रकार से प्राप्त होती है, एक तो होती है वर्धमान या बढ़ते हुए, दूसरी होती है स्थिर और तीसरी होती है घटते हुए, ठीक है ना। अब ये क्या होती है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहली चीज बढ़ते हुए, तो बढ़ती हुई उपनति क्या होती है, तो बढ़ती हुई उपनति का मतलब ये होता है कि जब दीर्घकालीन परिवर्तन, तो दीर्घकालीन ही है क्योंकि हम उपनति बढ़ रहे हैं, तो जो उपनति है या जो दीर्घकालीन परिवर्तन हो वो बढ़ती हुई दर से हो, बढ़ती हुई दर से हो, तो उसको कहते हैं हम बढ़ती हुई उपनति, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे भारत की जनसंख्या, जनसंख्या क्या हो रही है, 2001 में 101 करोड़, 2011 में 121 करोड़, यानी बढ़ रही है, दर क्या हुई, बढ़ी, तो बढ़ती हुई दर से, यानी वो
बढ़ती हुई उपनति या वर्धमान उपनति। ठीक है, स्थिर यानी जब जो परिवर्तन हो दीर्घकालीन परिवर्तन वो स्थिर गति से हो, जैसे मान लो मानव शरीर का तापमान जो है वो लगभग स्थिर रहता है 98 के आसपास लगभग, ठीक है ना, तो वो कहलाती है हमारी स्थिर उपनति। ठीक है, और तीसरी होती है घटती हुई उपनति, जैसे जो दीर्घकालीन परिवर्तन होना वो घटती हुई दर से हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वतंत्रता के बाद से हमारे यहाँ पे क्या हुआ, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी है तो मृत्यु दर में क्या आई है, कमी आई है, मृत्यु दर दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो कम होती जा रही है इसका मतलब वो कौन सी है, घटती हुई उपनति। ठीक है, ये समझ में आया आपको, दीर्घकालीन उपनति बढ़ते हुए, स्थिर हो, घटते हुए, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन बन गया जैसे घटती हुई दर से अगर दीर्घकालीन परिवर्तन हो तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं हम ह्रासमान उपनति। ठीक है, बढ़ती हुई दर से हो तो वर्धमान, स्थिर दर से हो तो स्थिर। उपनति क्या होती है, जब दीर्घकालीन परिवर्तन हो, उच्चावच हो। ठीक है ना, अब चलते हैं अपन अल्पकालीन। अल्पकालीन में जो है वो तीन प्रकार से अपन इसको बांटते हैं, अल्पकालीन जो परिवर्तन होते हैं, उच्चावच होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मौसमी, जिसको आर्तव भी बोला जाता है, आर्तव और मौसमी, सीजनल जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, दूसरा होता है चक्रीय और तीसरा होता है अनियमित, या फिर इसको बोलते हैं हम देव, अनियमित या देव। ठीक है ना, अब यहां पर अनियमित आया है, इसका मतलब ये जो है चक्रीय और ये जो है मौसमी, ये दोनों जो है वो नियमित होते हैं, क्या होते हैं, नियमित होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, अब चलते हैं अपन मौसमी पे, यानी जब परिवर्तन एक वर्ष या समयांतर में हो या एक वर्ष या उससे कम के हो तो उसको कहते हैं हम मौसमी, यानी अल्पकालीन। सबसे पहले अपन अल्पकालीन देख लेते हैं कि जब जो परिवर्तन हो, जो काल श्रेणी में परिवर्तन हो, वो एक निश्चित समय के अनुसार हो, एक वर्ष का समय हो, दो वर्ष का समय हो, ज्यादा लंबा नहीं हो, ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं हमारे अल्पकालीन परिवर्तन। और अल्पकालीन परिवर्तन में भी मौसमी परिवर्तन जिसमें समय एक वर्ष या उससे कम होता है, यानी एक वर्ष या उससे कम समय में जो परिवर्तन होता है वो मौसमी परिवर्तन कहलाता है, और नियमित होता है क्योंकि मौसमी परिवर्तन नियमित होता है। आप देखते होंगे जैसे बारिश आती है तो नियमित रूप से आती है, कभी कभी जरूर कोई एक आध दिन या 15-20 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन आती नियमित टाइम पे ही है। ठीक है ना, गर्मी नियमित टाइम पे आती है, जो सर्दी है हमारी विंटर वो भी नियमित टाइम पे आती है, तो मौसमी जो होते हैं वो नियमित विचरण होते हैं, जो चक्रीय होते हैं वो भी नियमित होते हैं। ठीक है ना, एक निश्चित क्रम में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो मौसमी जो होते हैं इसको भी हम वापस दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है जलवायु संबंधी, जलवायु, और दूसरा होता है लौकिक। ठीक है, अब इसमें जलवायु संबंधी और लौकिक क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं कि जब काल श्रेणी में उतार चढ़ाव मौसम के अनुसार हो, जलवायु के अनुसार हो, जैसे मान लो सर्दी में क्या होता है, सर्दी में हमारे गीजर प्रयोग में आने लग जाते हैं, सर्दी में हमारे हम सूखे मेवे ज्यादा खाते हैं, सर्दी में हम ऊनी कपड़े ज्यादा पहनते हैं, तो क्या हुआ, क्या चेंज आया, ये चेंज आया कि सर्दी में हमने ऊनी कपड़े पहने, गीजर चलाया और सूखे मेवे वगैरह आदि खाए, तो ये कहलाते हैं हमारे जलवायु संबंधी। ठीक है ना, और दूसरा कारण होता है मौसमी का लौकिक। लौकिक का मतलब जब मनुष्य के रीति रिवाजों से परिवर्तन हो, रीति रिवाज जैसे मान लो शादी का समय है, मैरिज का समय है, या सावे चल रहे हो अगर, तो उस समय क्या होता है, उस समय बैंड बाजे और घोड़ों की और मिठाई की, इन सबकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, टेंट वगैरह की इनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो वो कहलाते हैं हमारे लौकिक परिवर्तन। चक्रीय, चक्रीय में सेम चीज, लेकिन चक्रीय का जो टाइम होता है वो एक वर्ष से अधिक होता है, मौसमी का एक वर्ष से कम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मौसमी विचरण का टाइम क्या होता है, चक्रीय विचरण का टाइम क्या होता है, तो वो आप लिख सकते हो। चक्रीय विचरण नियमित होते हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं, और इसमें क्या होता है, चक्रीय विचरण में जैसे ये इस प्रकार से ये चक्रीय विचरण होते हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है, और ये बीच में ये रेखा होती है, तो यहाँ पर चार चीजें एक व्यापार चक्र बन जाता है। व्यापार चक्र आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो बता देता हूँ थोड़ा सा। व्यापार चक्र बन जाता है तो यहाँ पर जो आता है वो आता है हमारी, ये जो आती है ये होती है हमारी समृद्धि, है ना, ये होता है हमारा प्रतिसार, यानी जब हम नीचे जाते हैं, ये इस रेखा से नीचे ये होता है मंदी, और इस रेखा के यहाँ पर ये होने लग जाता है फिर पुनरुत्थान। ठीक है ना, ये चार मुख्य भाग होते हैं व्यापार चक्र के, ये होती है हमारी उपनति रेखा, ये बीच वाली।
ठीक है, ये चक्रीय विचरण कहलाते हैं। अनियमित और देव, अनियमित को अवशिष्ट विचरण भी कहते हैं। अनियमित में क्या होता है, जब असामान्य कारणों से या अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन हो जाए, है ना। ये भी दो प्रकार के होते हैं जो अनियमित होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं प्रासंगिक और दूसरे होते हैं आकस्मिक, ठीक है। प्रासंगिक में क्या होता है, प्रासंगिक में जिसका जिसकी हम पहचान कर सकते हैं लेकिन पूर्वानुमान संभव नहीं, जैसे अचानक से बाढ़ आ जाए, अचानक से युद्ध हो जाए, अचानक से अकाल आ जाए, सूखा आ जाए, उसको हम प्रासंगिक कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आकस्मिक होता है, जिसकी ना तो पहचान हो सकती है और ना ही पूर्वानुमान, जैसे किसी एक दिन कोई बिजनेसमैन है, उसको सुबह एक दिन घाटा हो गया, एक दिन मुनाफा हो गया, यानी कुछ पता नहीं पड़ा, अप्रत्याशित कारण, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं हमारे मौसमी, चक्रीय और अनियमित विचरण, ठीक है। अब चलते हैं अपन, ये संघटक हो गए, ये काफी इम्पोर्टेंट चीज थी, और अब चलते हैं हम इसकी मापन, उपनति का मापन कैसे करते हैं, है ना। तो उपनति मापन, उपनति का जो मापन है वो हम मुख्य रूप से पांच प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से, पांच प्रकार से। एक तो होती है मुक्त हस्त, मुक्त हस्त वक्र विधि, ठीक है। एक होती है चयनित बिंदु विधि, चयनित बिंदु। एक होती है चयनित बिंदु के बाद अर्धमाध्य, अर्धमाध्य विधि। उसके बाद होती है चलमाध्य, चलमाध्य विधि। और उसके बाद होती है न्यूनतम वर्ग विधि, न्यूनतम वर्ग विधि, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको एक हल्का सा बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें इनके करने नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हमें आइडिया हो जाना चाहिए। मुक्त हस्त वक्र विधि जो होता है, इसमें हम जो भी बिंदु आता है उसको बिंदु रेखी पत्र पर यानी ग्राफ पर अंकित कर देते हैं, उसके बीच में एक सरल रेखा खींच देते हैं, वो हमारी उपनति रेखा कहलाती है, ठीक है ना। वो कहलाती है हमारी मुक्त हस्त वक्र विधि। काफी सरल है ये विधि, इसमें जैसे ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हमने ये बिंदु ले लिए और इसके बीच में ये रेखा खींचती, ये उपनति रेखा कहलाती है, उपनति रेखा, ये कहलाया हमारा मुक्त हस्त वक्र विधि। दूसरी है चयनित बिंदु विधि। चयनित बिंदु में हम क्या करते हैं, काल श्रेणी के प्रारंभ और अंत से दो बिंदु लेते हैं, कौन से भी, ठीक है ना। आपकी इच्छा हो वो बिंदु ले सकते हैं, या तो अंत ही अंत वाला, या प्रारंभ वाला, या प्रारंभ से बाद वाला, या अंत से पहले वाला, ठीक है ना। प्रारंभ और अंत से दो बिंदु लेते हैं, वो दो बिंदु हम ले लें जो ऐसा ऐसे ले जो कि मतलब पूरी श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। फिर वो दो बिंदु लेने के बाद हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, डाल निकालने का, बी बराबर पी टू माइनस पी वन अपॉन टी, यानी पी टू यानी जो उसका बाद वाला बिंदु, पी वन यानी पहले वाला बिंदु, और टी मतलब दोनों बिंदुओं के बीच का समय, ठीक है ना। मान लो पी टू 380 है, पी वन 300 है, और जो टाइम है वो 8 है, ठीक है ना, यानी 8 वर्षों का। ये पी टू जो है 2008 का, और ये जो पी वन है ये 2016 का, ठीक है ना। तो क्या होगा, पी टू 380, ये 300 यानी 80 बचा, और टी कितना था 8, यानी ये 10 जो है वो हमारी उपनति आ गई। ये चयनित बिंदु विधि। अर्धमाध्य विधि में क्या करते हैं, हम काल श्रेणी को दो भागों में विभाजित कर देते हैं और दोनों भागों के माध्य निकाल लेते हैं, वो माध्य जो है वो एक तरीके से चयनित बिंदु हो जाते हैं। चयनित बिंदु नहीं निकालेंगे हम, डायरेक्ट दोनों का माध्य निकाल लेंगे, प्रारंभ का और अंत का दो भागों में विभाजित करके माध्य निकाल लेंगे, और वो माध्य हमारे फिर चयनित बिंदु हो जाएंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे, ठीक है। चल माध्य, चल माध्य में क्या करते हैं कि जितनी चल माध्य की अवधि दी हुई है ना, वो हमें चल माध्य की अवधि ध्यान में रखनी पड़ती है, उसके बाद हम उपनति निकाल सकते हैं। चल माध्य में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको दे रखी है काल श्रेणी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपको वर्ष दे दिए, और यहाँ पर आपको मूल्य दे दिए 10, 12, 14, 18, 20, 22 और 24, ये आपको मूल्य दे दिए, ठीक है ना। तो चल माध्य में क्या करते हैं, जैसे मान लो विषम अवधि, दो चल माध्य निकालते हैं, विषम अवधि का और सम अवधि का, ठीक है ना। विषम अवधि का अगर चल माध्य होता है तो वो हमारे लिए आसान रहता है, सम अवधि में हमें थोड़ा और एक दो स्टेप और लेनी पड़ती है। तो विषम अवधि में क्या होता है, जैसे 3 वर्ष का चल माध्य निकालना है, अगर आपको चल माध्य की अवधि दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी हुई तो जब उतार चढ़ाव ज्यादा आपको नजर आ रहा है जहां पर, वो अवधि अपन को लेनी है कि इन 3 सालों में अधिक है तो 3 साल लेनी है, इन 5 सालों में अधिक है तो 5 साल लेनी है, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे कि चल माध्य 3 वर्ष का निकालना है, तो 1, 2, 3 इन तीनों को जोड़ेंगे और उसमें 3 का भाग दे देंगे, जो भी आंसर आएगा, जैसे 10, 12, 22, 22 और 14,
36, 36 में 3 का भाग दिया कितना आया 12, तो इस 12 को हम कहाँ लिखेंगे, इन तीनों के बीच में, यानी ये यहाँ पर लिखेंगे हम 12, ठीक है। अब इस पहली वाली को छोड़ दो, फिर 12, 14, 16 इन तीनों को जोड़ेंगे और उसमें वापस 3 का भाग देंगे, वो जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे आगे वाले में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बीच वाले में हम लिख देंगे और उसके बाद उपनति मूल्य हम आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि वो उपनति मूल्य ही निकल रहा है, ठीक है ना। और अगर विषम अवधि नहीं हो, सम अवधि हो, तो सम अवधि में हमारे पास दिक्कत ये आती है कि अगर हमने मान लो 4 वर्ष दे दिया, तो 4 वर्ष दे दिया तो इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, जोड़ के हमने 4 का भाग दे दिया, लेकिन अब इसको लिखेंगे कहाँ, इसको लिखेंगे तो 12 और 14 इसके बीच में लिखेंगे, तो इसके बीच में अगर मान लो 10 आया, इसको हमने यहाँ लिखा, तो इसकी इससे तुलना हो नहीं सकती है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 4 वर्ष का निकाल लेंगे, जैसे यहाँ 10 आया, यहाँ 20 आया, यहाँ 30 आया, यहाँ 40 आया, ठीक है। इसको निकाल के हम इसको केंद्रीकरण विधि से इसको तुलना करने योग्य बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 और 20 को जोड़ेंगे, दो दो मूल्यों को जोड़ देंगे, 30 और 40 को जोड़ेंगे, आगे जो भी हो उनको जोड़ देंगे। 10 और 20 जोड़े तो इसके बीच में आया 30, 20 और 30 जोड़े तो इसके बीच में आया 50, ठीक है ना। तो ये इसके सामने आ जाएंगे, और इसके सामने आने के बाद 2 सालों में हमने जोड़ा, तो 2 सालों में जोड़ा तो फिर हम इसको 2 से वापस भाग भी दे देंगे, तो फिर यहाँ पे 15 और यहाँ पे 25, ये इस तरीके से हमारे ये जो लास्ट वाले 15-25 ये जो निकलेंगे, ये हमारे उपनति मूल्य निकलेंगे। ये कहलाती है चलमाध्य अवधि, ठीक है ना, चलमाध्य विधि। अब चलते हैं अपन न्यूनतम वर्ग विधि पर, ठीक है ना। तो न्यूनतम वर्ग विधि जो है वो थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूनतम वर्ग विधि अपन ने रेगुलेशन में पढ़ी थी, तो वैसी ही है सेम न्यूनतम वर्ग विधि, लेकिन गणितीय दृष्टि से शुद्ध है, क्योंकि इसमें सूत्रों का और इनका प्रयोग होता है। तो न्यूनतम वर्ग विधि में हम क्या करते हैं, एक तो होता है 3 प्रकार से हम मुख्य रूप से देखेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है ना। एक तो है सामान्य समीकरण या सरल रेखीय उपनति, सरल रेखीय। दूसरी है अर्ध लघु गुणकीय, अर्ध लघु गुणकीय, ठीक है ना, जिसको घातांकीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घातांकीय, ठीक है। और तीसरी होती है इसमें परवलय रेखीय, है ना, क्या होती है, परवलय रेखीय, ठीक है ना, या फिर इसको हम अरेखीय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से हम न्यूनतम वर्ग विधि में निकालते हैं। सरल रेखीय में क्या करते हैं हम, जो हम हमने प्रतिम गमन के अंदर जो हमने फॉर्मूला देखा था, यहाँ पर yc बराबर a प्लस बी एक्स, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, जो प्रतिम गमन के अंदर भी हमने लगाया था, ठीक है ना। यहाँ पर a और b जो है ये अचर मूल्य है, और yc निर्भर, और x जो है वो स्वतंत्र चर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ये ऐसा समीकरण दे दिया जाए और कह दिया जाए कि बी क्या है, तो बी है अचर मूल्य, वाईसी क्या है, वाईसी है उपनति मूल्य, एक्स क्या है स्वतंत्र चर, और जो ए है वो भी क्या है अचर मूल्य, ठीक है ना। इसके बाद में वही समीकरण जो प्रतिम गमन के अंदर अपन ने बनाए थे, वाई सी बराबर एन ए योग तत्व तो जोड़ेंगे प्लस बी समेसन एक्स, है ना, फिर आगे बनाएंगे समेसन एक्स वाई बराबर ए समेसन एक्स प्लस बी समेसन एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर ये दोनों हमारे पास बन गए। उसके बाद हम इनका मूल्य निकालेंगे, जो कालसरणी हमें दी हुई होगी उससे हम समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स और बी समेशन एक्स, ये सब निकाल लेंगे, और फिर जो हमारे पास जो भी आंसर आएगा ए और बी के अचर मूल्य, उसको इस समीकरण में रख के और हमारे उपनति मूल्य जो है वो निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये जो समीकरण है ये तो ले लिया, उसके बाद हम कालसरणी में क्या करते हैं कि जो कालसरणी का जो प्रथम वर्ष होता है ना, उससे पहले वाले को मूल बिंदु मानते हैं, उससे पहले वाले को मूल बिंदु यानी 0 मान लेते हैं, ठीक है। पहले वाले को 0 मान लिया तो बाद वाले क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बाद वाले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ जाते हैं, और फिर हम ये समेशन एक्स और बी समेशन एक्स वाई समेशन एक्स वाई ये सब निकाल लेते हैं। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सरल रेखीय उपनति है उसमें प्रत्यक्ष विधि में किसको मूल बिंदु मानते हैं, यानी प्रथम वर्ष से पहले वाले को, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम, इसमें एक लघु रीति भी होती है। लघु रीति में क्या करते हैं कि हम प्रथम बिंदु से पहले वाले को मूल बिंदु नहीं मानते, बल्कि बिल्कुल बीच वाले को कल्पित माध्य मान लेते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं। तो उसको हमने मान लिया तो उससे पहले वाले वर्ष में क्या आ जाएगा, -2, -1 ऐसे, और उसके बाद वाले में +1, +2 ऐसे, यानी जो समेशन एक्स है वो उसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समेशन एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो लघु रीति में ये समीकरण और आसान हो जाएगा, समेशन एक्स 0 हो जाएगा, बीच से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ एन ए हो जाएगा, और यहाँ पर
ये समेशन एक्स हट जाएगा तो सिर्फ बी समेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ताकि उत्तर से निकालने में और आसानी हो जाए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन अर्ध लघुगुणकीय घातांकी वक्र। इसमें क्या करते हैं, हम एक्स के ऊपर घात लगाते हैं, जैसे वाई सी बराबर ए प्लस बी, एक्स नहीं लिखते हैं, बी के ऊपर एक्स लगा देते हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, हमें फिर लॉग निकालना पड़ता है, जैसे फिर समीकरण हमारे क्या बनते हैं कि लॉग वाई बराबर लॉग एन लॉग ए प्लस लॉग बी समेशन एक्स या बी लोग समेशन एक्स। ठीक है ना, ये इस प्रकार से फर्स्ट समीकरण बनता है, सेकंड समीकरण बनता है लोग ए समेशन एक्स प्लस लोग बी समेशन एक्स स्क्वायर, और ये बनता है लोग एक्स लोग वाई। ये इस प्रकार से लोग बनता है, इसमें लोग निकालना पड़ता है, लेकिन ये हमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है ना, तीसरी चीज पावलोव रेखीय जो उपपत्ति होती है या जो अरेखीय उपपत्ति होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो काल श्रेणी है उसको दो से अधिक भागों में विभाजित करते हैं, यानी इसको हम एक्स की दूसरी घात तक ले जाते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वाई बराबर ए प्लस बी एक्स, यानी घात कोई नहीं थी, लेकिन इसमें हम आगे घात जोड़ देते हैं प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर मतलब दो की घात लगा दी, तो ये फिर क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे समेशन y बराबर एन ए प्लस बी समेशन x प्लस सी समेशन x स्क्वायर। ये इस प्रकार से फर्स्ट समीकरण बना। सेकंड समीकरण बनेगा समेशन एक्स वाई बराबर ए समेशन x प्लस बी समेशन x स्क्वायर प्लस सी समेशन x क्यूब। ठीक है ना, एक से गुणा कर दिया। ठीक है, एक समीकरण और बनेगा, क्योंकि हम सी तक जाएंगे तो समेशन वापस एक से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई बराबर ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स फोर। ये इस प्रकार से बनेगा प्रत्यक्ष विधि में, और अगर लघु विधि हो तो वहां पर जो ये थ्री वाला है, जो समेशन एक्स वाला है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये हट जाएंगे, क्योंकि समेशन लघु रीति में, क्योंकि हम बीच वाले को जीरो मानते हैं, तो समेशन एक्स, तो समेशन एक्स क्यूब जो है वो जीरो आता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा न्यूनतम वर्ग रीति। अब चलते हैं हम, ये उपनति ज्ञात करने की सारी विधि अपन ने देखी, इसमें मैंने आपको लगभग कम्प्लीट बताया है, कुछ भी चीज छोड़ी नहीं है, तो इसमें से काफी क्वेश्चन आपके बैठेंगे। अब चलते हैं अपन इधर मौसमी परिवर्तन मापन की विधि, यानी जो मौसमी परिवर्तन जो अल्पकालीन परिवर्तन में होता है उसकी मापन की जो विधि होती है, उसमें पहली होती है मौसमी माध्य विधि या आर्तव माध्य विधि। इसमें क्या करते हैं हम, आर्तव माध्य यानी 12 महीनों के जो मूल्य दे रखे हैं उन मूल्यों को जोड़ के उसमें 12 का भाग दे देते हैं, वो आर्तव माध्य निकल जाता है। सामान्य माध्य सामान्य सो कर देते हैं तो आर्तव माध्य विधि हमारी निकल जाती है, या इससे हमें आर्तव माध्य सूचकांक प्राप्त हो जाता है। प्रवर्ती अनुपात विधि ओ अपॉन टी इंटू सो, ओ का मतलब होता है मूल समंक, मूल समंक का मतलब जो भी मूल समंक आपको दे रखे चारों के मिला के, अपॉन टी यानी उपनति मूल्य इंटू सो। चल माध्य अनुपात विधि ओ अपॉन टी इंटू सी इंटू सो, यानी ओ मतलब मूल समंक, टी मतलब उपनति, उपनति को हम मल्टीप्लाई करेंगे चक्रीय विचरण से, यानी सी है ना इंटू सो, ये हमारी चल माध्य अनुपात विधि हो गई। उसके बाद ये मौसमी परिवर्तन हो गया, क्योंकि ये ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, हो सकता है अगर आपसे पूछे भी तो केवल फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये मैंने बता दिया है। चक्रीय विचरण मापन ये कैसे होता है, टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई अपॉन एस इंटू टी इंटू सो, यानी टी यानी ट्रेंड उपनति, एस यानी सिग्नल यानी मौसमी विचरण, सी यानी चक्रीय विचरण, आई यानी अनियमित इरेगुलर अपॉन एस, ठीक है ना, सिग्नल मौसमी और उपनति को मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू सो, यानी ये दोनों कट गए तो बचे क्या, सी इंटू आई, ये सी इंटू आई कहलाता है हमारा चक्रीय विचरण मापन। ठीक है, ये हो गया हमारा काल श्रेणी टाइम से ही, जिसके बाद हम पढ़ते हैं इंडेक्स नंबर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।